हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप कभी भी कॉल करते हैं तो कॉल करने पर आपकी डिस्प्ले जो होती है वो ऑफ हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है कहीं से टूटी हुई या चटकी हुई होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। देखिए होता क्या है कि आपको ना मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन कार्ड को ऊपर की साइड से आपको ज़रूर चेक करना है, ठीक है। क्योंकि आपके मोबाइल फोन के सबसे ऊपर जो होता है ना वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ये सेंस होता है कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से आपकी जो है डिस्प्ले ऑफ हो जाती है कॉल करने पर, ठीक है ना। तो आपको ये चीज जो है कंफर्मेशन कर लेनी है। आपको चाहे तो ये स्क्रीन कार्ड चेंज करके भी आप ये चेंज करके देख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है स्क्रीन कार्ड चेंज करने से भी, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर जो ना मैं आपको और भी प्रोसेस यहां पर बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि आप एक प्रोसेस आप कर लीजिए, आपको मोबाइल फोन को ना रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे कि आपको ना मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन दिया हुआ होता है इसे आपको दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलेगा। आपको इसे रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी होती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए जैसे कि मोबाइल फोन हैंग होता है, कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का जो ऐप होता है, इस कॉलिंग के ऐप को आपको रीसेट करना है। कैसे करेंगे, इसका आपको है ना उंगली से दबा के रखना है इस ऐप को। तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सर्कल में आई बटन होगा उसे आपको टैप करना है। तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको है ना स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। तो आपको इसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले से क्लियर कैच पर टैप करना है। तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है। तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो इस ऐप को जो है रीसेट कर दीजिए। और एक काम और करना है, ये जो फोन का ऐप है ना इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लीजिए अगर ये अपडेट नहीं है तो, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सिस्टम भी यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है हमें पता नहीं चल पाता है, और सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो यहां पर आपके मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए आपको मोबाइल फोन का सबसे पहले तो इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या इस तरीके से डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे आपको टैप कर देना है, ठीक है ना। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है अपडेट होने लग जाएगा। सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा या मैक्सिमम एक घंटा भी लग सकता है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है सिस्टम अपडेट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसके बाद ये मैं बाद में अपडेट कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पर करना क्या है, देखिए आपको अपने फोन को जो है रीसेट कर देना है। रीसेट कैसे करेंगे, मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल करने पे जो डिस्प्ले ऑफ हो जाती है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में पहले ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो काम आपको पहले करने हैं रीसेट करने से पहले। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपकी कॉल करने पे जो डिस्प्ले ऑफ हो जाती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर आपको चले जाना है, ठीक है ना। अपने फोन को वहां पर दिखा देना है सर्विस सेंटर में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के एंड्रॉइड मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जा रही है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी तक आपको जितने भी प्रोसेस बताए उनके सॉल्यूशन बताए हैं, ये मैंने आपको मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, ठीक है ना।